हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे व्लॉग चैनल में। और आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। और काफी दिनों से वर्क फ्रॉम होम करके बहुत ज्यादा बोर फील कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने एक वर्क फ्रॉम हिल का टूर प्लान किया मनाली में। विलेज है शुरू और वहाँ पे एक मैंने कॉटेज रेंट पे लिया है। इसकी क्या कॉस्ट है, अंदर से कैसा दिखता है और फूड क्वालिटी कैसी है, तो मैं आपको इसका रिव्यू कराता हूँ। एक एक करके चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। पहले सबसे पहले मैं अपना रूम दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको अपने रूम में कि रूम अंदर से दिखने में कैसा है। और यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं, सामने का व्यू। और अभी मैं खड़ा हूँ कॉटेज के नीचे, इसके रिसेप्शन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये है यहाँ की रिसेप्शन और ये है इसका रेस्टोरेंट। पीछे थी रिसेप्शन, ये है रेस्टोरेंट और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हॉल है, ये हॉल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ, रूम नंबर 201। तो ये है जी हमारा रूम। और वर्क फ्रॉम होम कर करके मैं बोर हो गया था, इसलिए वर्क फ्रॉम हिल करने का मैंने प्लान बनाया और मैंने इस कॉटेज में अपना रूम बुक किया। इस होटल में जो एमिनिटीज मुझे मिली है वो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपना सेटअप किया है। ये मेरा लैपटॉप है और ये डोंगल है। वैसे तो यहाँ इंटरनेट है 5G और 4G दोनों, फिर भी मैं बैकअप के लिए 4G हॉटस्पॉट एयरटेल का लेके आया हूँ। और ये है हमारा यति माइक, बीच बीच में मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है तो मैं इसको अपने साथ रखता हूँ। और यहाँ पे कैटल भी मिली है मुझे, जो कॉफ़ी टी और पानी गर्म करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे पानी की फिल्टर बॉटल मिली है और खाने के फ्रूट्स, बनानाज और कॉफ़ी के पाउचेस वगैरह मिले हैं। ये मेरा टैब है और यहाँ बैग वगैरह, बुक्स भी मैंने रखी हुई अपनी। तो फ्री टाइम में मैं बुक्स पढ़ने का शौक रखता हूँ और डायरी वगैरह भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ से अगर आप व्यू देखेंगे सामने से, तो बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो मैं आपको बाहर से एक बार दिखा देता हूँ। तो ये अगर आप बाहर बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। ये यहाँ का गार्डन है और ये यहाँ का व्यू है। तो आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया व्यू है यहाँ से, और सीधी धूप मॉर्निंग में आती है। अभी तो शाम होने वाली है, जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो अभी शाम होने वाली, इसलिए आपको धूप देखने को नहीं मिलेगी। चलिए मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ से मैं अपना रूम में एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है और रूम का भी और व्यू का भी। तो यहाँ है हमारे पास एक टीवी विद डिश, अगर आप टीवी देखना चाहते हैं और अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ऊपर चल के अगर ऊपर जाएं इसमें हम, तो दो लोग और यहाँ पे बेड दिए, दो लोग और रेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई गेम खेलना चाहे, कोई फन मस्ती करना चाहे, तो यहाँ पे बेस्ट लोकेशन है ये वाली भी। तो ये देखा आपने कि कितना अच्छा व्यू है, पूरे रूम का व्यू भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये पेंटिंग्स हैं, अभी देख सकते हैं कितनी प्यारी पेंटिंग्स। ये और ये दोनों पेंटिंग बहुत प्यारी लग रही है मुझे। और इसमें हमें कपबोर्ड भी मिला है जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है और वॉशरूम नीट एंड क्लीन है, हॉट वाटर भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू मेरे रूम का, जहाँ से बैठ के मैं वर्क फ्रॉम हिल
ये आप कह सकते हो कर रहा हूँ यहाँ से बैठ के। मैं मॉर्निंग में पूरी रूटीन फॉलो करता हूँ, मॉर्निंग में मैं अपना वॉक और योगा करता हूँ, उसके बाद 9 बजे से मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ और 4-5 बजे तक मैं काम करता हूँ। उसके बाद घूमने निकल सकते हैं आप, यहाँ से मॉल रोड जा सकते हैं, 3 से 4 किलोमीटर दूर मॉल रोड है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घूमने के लिए हैं, जैसे शिशु विलेज जा सकते हो आप, रोहतांग पास जा सकते हो आप, हमटा पास जा सकते हो और हॉट एयर बैलून राइड कर सकते हो आप, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो संडे के दिन। खासकर अगर आप 5 दिन काम करते हैं तो सैटरडे संडे को आप एक्टिविटी करने जा सकते हो बाहर। तो इसके साथ साथ ये रूम तो आपने देख लिया, मैं इसका हॉल भी दिखा देता हूँ आपको, फिर चार्जेस के बारे में भी बताऊँगा कि क्या चार्जेस हैं और खाना कैसे मिलता है, क्या चार्जेस हैं खाने के भी वो भी बताता हूँ। पहले मैं हॉल दिखाता हूँ आपको। तो ये है इसका हॉल, यहाँ पे 2 रूम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, 1 is 201, 2nd is 202 और 2 रूम ही ऊपर हैं। ये एक किचन है जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं मिलके, यहाँ पे किसी तरह की रोक टोक नहीं है, अभी लॉक है ये। तो ये है हॉल, यहाँ पे आप बैठ के फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, धूप सेक सकते हैं दोपहर को, और रात के टाइम पे आप यहाँ पे बोन फायर कर सकते हैं। ये रखा है वाटर फिल्टर और ऊपर 2 रूम ऊपर हैं। उससे पहले मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ एक बार यहाँ का, लुक एट द व्यू, बहुत ही अमेजिंग व्यू है गाइस, इसीलिए मैं हर बार इसी को प्रेफर करूँगा आपको वर्क फ्रॉम हिल करने के लिए। अगर आप वैसे भी फैमिली के साथ आएँ तो इसको चूज़ कर सकते हैं। तो एक रूम ये है 301 और एक ये है 302 और यहाँ पे भी गद्दे बिछाए हुए हैं सिटिंग के लिए और यहाँ से भी अमेजिंग व्यू है गाइस। और एक और खास बात कि बिजली कई बार चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी अगर होटल में नहीं है तो पानी गर्म नहीं होता है, बट यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है, वैसे तो नहीं जाती, अगर चली भी जाती है तो यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो पानी की, गर्म पानी की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है। दूसरा इंटरनेट की भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैगजीन रखी हैं, आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं यहाँ बैठ के। और 301 302 यहाँ पे 6 लोग आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। और बाकी मैं आपको नीचे से व्यू दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर रखे हुए हैं, आप अपने मनपसंद गाने चला सकते हैं, इंटरनेट लगा हुआ है, लैंप और ये सब रखा हुआ है। बाहर का मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ बालकनी से, ये आप व्यू देखिए, लुक एट द व्यू गाइज, कितना प्यारा व्यू है। मॉर्निंग में आप यहाँ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, शाम को भी बैठ सकते हैं। तो उसकी भी बालकनी, उस रूम की भी बालकनी सेम है और इसकी भी सेम है, और इधर भी इसके साथ बालकनी थोड़ी सी है, बाकी डिश टीवी यहाँ लगा हुआ है और ये एक बहुत ही प्यारा लैम्प आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही बढ़िया लगा होगा आपको, जो मेरा रूम है और यहाँ का जो हॉल है, ऊपर रूम्स और उनके व्यूज़ मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं चार्जेस की, चार्जेस इसके हैं 2500 रुपया, और अगर आप ज़्यादा दिन के लिए लेते हैं तो डिस्काउंट भी हो जाएगा आपको, 2000 तक भी हो जाता है अगर आप 10 दिन तक लेते हैं। मैंने 5 दिन के लिए लिया था तो मुझे 10,000 में पड़ा, इंक्लूडिंग इसमें खाना ब्रेकफास्ट इंक्लूड है और डिनर इंक्लूड है, लंच आपको बाहर से करना पड़ेगा। यहाँ पे किचन भी है, अगर आप अपना बनाना चाहें बना सकते हैं, सिलेंडर के मिनिमम चार्जेस देने पड़ेंगे। हीटर की वैसे मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर रूम में आप हीटर लगवाते हैं तो उसका 300 पर हीटर पर डे चार्जेस पड़ेगा। और अगर आप 15-16 लोग हैं, मतलब 15-16 लोगों का अगर आपका ग्रुप है तो आप
पांच यहाँ पे रूम है टोटल, एक ग्राउंड फ्लोर पे, दो फर्स्ट फ्लोर पे और दो सेकंड फ्लोर पे, तो टोटल 16-70 पीपल अकोमोडेट हो सकते हैं बहुत आराम से। अगर आप ग्रुप हैं, आप कंपनी कोई ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है कोई, या फिर फैमिली का कोई ग्रुप है, तो आप इजीली आ सकते हैं और अपने मनपसंद खाना बना सकते हैं। किचन आपको यहाँ मिल जाएगी, गैस सिलेंडर सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आप पूरा पांच के पांच रूम लेते हैं तो ये 10,000 रुपये का आपको ग्रुप पैकेज पड़ेगा पर डे का। यहाँ पे आप इजीली वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है, एडिशनल कोई चार्जेस नहीं है। तो ये पूरा जो कॉटेज है वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पास में पार्क है, सामने बहुत अच्छा व्यू है और यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई दीवारें नहीं है, सारा वुडन का बना हुआ है। बहुत कम है दीवारें, मतलब सीमेंटेड दीवारें कम है, वुडन का ज़्यादा है, तो मुझे नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी ऐसे कॉटेज में रहना पसंद है तो आप भी अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। अकेले ट्रिप कर रहे हैं, अकेले आ सकते हैं और यहाँ पे वर्क फ्रॉम हिल, घर से काम करने के बजाय वर्क फ्रॉम हिल कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग मेरा ये ट्रिप रहा है जिसमें मैंने बहुत ही प्रोडक्टिव काम किया है और माइंड भी एकदम फ्रेश हो गया। शाम के वक्त मैं यहाँ पे मॉल रोड है मनाली का पास में, 3 किलोमीटर दूर मॉल रोड है और ये जो गांव है जिस गांव में ये है इसका नाम है शुरू। तो ये 3 किलोमीटर दूर है मनाली मॉल रोड से। आप इजीली कोई बस से या फिर ऑटो से यहाँ से जा सकते हैं इजीली मॉल रोड। अगर अपना व्हीकल है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना व्हीकल अगर है तो आपको पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि नीचे पार्किंग अवेलेबल है। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे इस कॉटेज में, इस कॉटेज का नाम मार्श कॉटेज है और आप इंटरनेट पे जाके भी इसके रिव्यू देख सकते हैं गूगल पे। मेरा ओवरऑल जो रिव्यू रहा है बहुत ही अमेजिंग है, 5 out of 5 मैं इसको स्टार देना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लीननेस और हॉस्पिटैलिटी और इंटरनेट सर्विस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर वो मुझे मिली है, तो मैं इसको 5 out of 5 देना चाहता हूँ। तो गाइज अगर आप भी सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हैं, फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं, तो आप भी इस कॉटेज को चूज़ कर सकते हैं। इसकी बाकी सारी डिटेल, कैसे यहाँ पहुँचना है चंडीगढ़ से मनाली, मनाली टू दिस कॉटेज, तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मनाली कैसे आना है, कितने की टिकट रहेगी और क्या इसके चार्जेस हैं, दोबारा मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। आप इस कॉटेज के ऑनर को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ही इज़ वेरी हम्बल, तो उन लोगों की सारी डिटेल मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। तो आई होप ये वर्क फ्रॉम हिल का व्लॉग हमारा बहुत पसंद आया होगा आपको। अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको ये कॉटेज कैसा लगा, व्यू कैसे लगे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।